नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपका कर्जा माफ हो सकता है, किस बैंक में आपको अपना खाता खुलवाना पड़ेगा और अगर क्या क्या चीजें आप नहीं करेंगे तो आपका कर्जा माफ नहीं होगा। इससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने पहले कर रखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, शासन द्वारा किसानों को कर्ज माफी के निर्देश दिए हैं। इस क्रम में अब जिला सरकारी बैंकों को शीर्ष बैंक द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो किसान ओवरड्यू हैं, मतलब जिन किसानों का पुराना कर्जा बाकी है, उन किसानों को अपने खाते जिला सरकारी बैंक की शाखाओं में अपना खाता खुलवाना होगा। यानी कर्जदार किसानों को ऑपरेटिव बैंक में खाता खुलवाने होंगे। शासन द्वारा किसानों को कर्ज माफी के निर्देश दिए हैं। इस क्रम में अब जिला सरकारी बैंकों को शीर्ष बैंक द्वारा निर्देश दिए गए हैं जो किसान ओवरड्यू है, मतलब कि जिन किसानों का पुराना कर्जा बाकी है, उन किसानों को अपने खाते जिला सरकारी बैंक की शाखाओं में अपना खाता खुलवाना होगा। इसी के साथ इन्हें आधार नंबर पर भी लिंक करना पड़ेगा और उस सोसाइटी में जमा कराना होगा जिस सरकारी समितियों से किसानों द्वारा कर्ज लिया गया था। यानी दोस्तों, आपने जो भी कर्जा लिया होगा, आप जो अकाउंट खुलवाते हैं उसमें अपना आधार कार्ड लिंक करना पड़ेगा और आपको उसी बैंक में अकाउंट खोलाना पड़ेगा जिस बैंक से आपने लोन लिया था, यानी पहले कर्जा लिया था। जिला सरकारी बैंक में सहकारी समितियों द्वारा नियमित कर चुकाने वाले और न चुकाने वाले किसानों की सूची तो अपेक्स बैंक भेज दी गई है, लेकिन कर्ज न चुकाने वाले किसानों के खाता नंबर और आधार कार्ड नहीं मिलते तब ऐसे किसानों को कर्ज माफी की बात भी बैंक के फील्ड ऑफिसर बृजेंद्र शर्मा ने कही है। उन्होंने प्राथमिक विशाख सहकारी समितियों के कर्जदार किसानों के आधार कार्ड, सहकारी समितियों और बैंक खाते जिला सरकारी केंद्रीय बैंक की शाखाओं में खुलवाने का आग्रह किया है। दोस्तों, आपने जिस बैंक से कर्जा लिया था, आपका कर्जे का जो भी बायोडाटा आपके उसी बैंक अपेक्स के जरिए भेज दी गई है और आपको उसी बैंक में अकाउंट खुलवाना है जिस बैंक से आपने कर्जा लिया था। अपने अकाउंट खुलवाते समय अपने आधार कार्ड को लिंक करना है। आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होता तो आपको कर्जा माफ होने में परेशानी हो सकती है। तो इससे दोस्तों, आप अगर आप अपना खाता उसी बैंक में खुलवाते हैं तो अपना आधार कार्ड जरूर लिंक कराएं। दोस्तों, हमारे वीडियो आपको पसंद आता था, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारा बेल आइकन, चैनल का बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।